हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो कि आपके आय का अधिपति है, पैसों का अधिपति है। वो ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहा है और जब आय के अधिपति ग्रह का परिवर्तन होता है तो हमारी आय में भी परिवर्तन होता है, या तो आय में वृद्धि होने लगती है या तो कहीं ना कहीं कमी भी हो जाती है। तो क्या अब होगा ये समझेंगे, सावधान आपको क्यों रहना है ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं कि 29 जून से लेके 19 जुलाई तक का ये जो समय होगा, इस समय आपके जीवन में एक है तो छोटा ही पॉइंट परंतु उसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा। कहते हैं ना कि छोटा मत समझो, हम कमाल कर देंगे। तो ये बुध महाराज हैं, बुध एक कम समय के लिए 20 दिन 25 दिन ऐसे समय के लिए एक राशि में परिवर्तन करते हैं। कई बार कुछ स्थितियों की वजह से ज़्यादा समय भी होता है परंतु ज़्यादातर नॉर्मली बुध 20 से 25 दिन एक राशि में गोचर करते हैं। जैसे अभी इस बार 20 दिन गोचर करेंगे मिथुन पे, ये कर्क पे। तो अब 29 जून को कर्क में गोचर करेंगे और 19 जुलाई तक यहाँ पर गोचर करेंगे। ये चंद्रमा की राशि है और आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, एक तो जैसे मैंने बताया कि आय के अधिपति यानी कि एकादश भाव के अधिपति हैं, साथ में ये अष्टम के भी अधिपति हैं। गोचर कहाँ करेंगे, भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या होने वाली है कि आपके साथ धन प्राप्ति तो होगी, धन प्राप्ति होगी, परंतु यहाँ पर समस्याएं भी होंगी। खासकर आपको यात्रा करते समय बहुत सावधान होना चाहिए। आप गाड़ी वाहन चला रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उस समय बिल्कुल भी यहाँ वहाँ ध्यान न दें। अब कई लोग देखने में आता है कि जैसे गाना लगा लेंगे, मोबाइल लगा लेंगे, या तो फ़ोन कॉल आ गया तो फ़ोन में बात करने लगेंगे। इन स्थितियों से पूरी तरह से बचना है। या आप समझिए कि आपके घर में कुछ बात याद हुआ और आप तुरंत यात्रा में निकल गए, ऑफिस में हैं वहाँ कुछ ऐसी बातें हुई जिससे मानसिक तनाव हो गया, फिर आप यात्रा करने के लिए निकल गए। तो इस समय यात्रा करते समय चोट चपेट लगने की स्थिति बन सकती है और उसका एक कारण हो सकता है, यात्रा के अलावा भी समस्या, ऐसे नहीं कि खाली यात्रा में ही होंगी पर यात्रा में ज़्यादा चांस हैं। आपको बिल्कुल भी मानसिक तनाव से दूर रहना चाहिए क्योंकि इस समय मानसिक तनाव सबसे ज़्यादा होगा, जिसलिए आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि धन का लाभ आपको हो रहा है या धन प्राप्त करने में समस्याएं होंगी। धन आगमन तो होगा पर समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं। साथ में आपको इस समय अपने कर्म को बहुत मजबूत करना होगा क्योंकि इस समय भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से, भाग्य में कहीं ना कहीं कमजोरी आने की वजह से आप कर्म बहुत ज़्यादा करेंगे तभी लाभ मिल सकता है। लाभ लेने के लिए कर्म बहुत करना होगा, पूरे 100% देने होंगे। साथ में आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें क्योंकि जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर करेंगे बुध। बुध कौन है, बुद्धि के अधिपति, और चंद्रमा कौन है, मन के अधिपति। तो आपके अंदर जोश बहुत ज़्यादा होगा, ये प्लस पॉइंट है क्योंकि जोश होना अति आवश्यक है। जोश के बिना हम कोई कर्म ही नहीं कर सकते, आलस्य है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा तो कैसे कर पाएंगे। परंतु जब जोश हो पर ओवर कॉन्फिडेंस जिसे हम कह सकते हैं, जोश में और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हल्का, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जल्दबाजी ना करें, बहुत ज़्यादा जोश में आके कोई काम ना करें। कोई काम करना है तो पूरी प्लानिंग के साथ करें, निर्णय लेने के बाद करें, उसको 10 बार सोचिए समझिए कि हाँ क्या अभी क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा आपके लाइफ में और फ्यूचर में क्या पड़ेगा, दोनों सोचना है। जब हाँ लगे कि हाँ ठीक है तब फिर करिए काम। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य का थोड़ा आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, बड़ों के साथ बात ब्यात की स्थिति ना बने, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ स्थितियां हैं और जो प्लानिंग आप बनाएंगे ना उनमें फेलियर भी कई बार देखने को मिलेगा, यानी कि आपने जो सोचा है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वो ऐसा कर लूँ, तो इसमें क्या होगा, फेलियर की स्थिति। तो आपको ए प्लान के साथ बी प्लान, सी प्लान
बैकअप बना के रखना चाहिए। यदि आपने बैकअप नहीं बनाया, बस आपने सोचा कि बस ऐसा कर देंगे, यदि वो प्लान आपका कहीं ना कहीं नहीं सफल हो पाया तो फिर आप ऐसे ही रह जाएंगे। इसलिए आप ए के साथ बी प्लान बना के ज़रूर रखिए। जैसे ए प्लान आपका फ्लॉप हुआ, आपने बी प्लान में तुरंत काम शुरू कर दिया तो सफलता मिल गई। तो इस बात का ध्यान रखिए। और यहाँ पर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में आप बहुत ही सरल उपाय है कि आप भगवान गणपति की आराधना खूब करिए। भगवान गणपति की आराधना में एक तो आप दुर्वा चढ़ा सकते हैं, दूसरा लाजा जो होता है शादी विवाह में आप देखते हैं यूज होता है चावल का व्हाइट, तो वो लाजा होता है, तो गणेश अथर्व शीर से भगवान गणपति का अर्चन करें उस लाजे से। ना मिल पाए तो बस गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर लें तो भी एक बार चलेगा। तो ये उपाय करिए, भगवान गणपति की ही शरण पकड़िए तो ही आपके जीवन में स्थितियों को संभाला जा सकता है। कमेंट में ओम गणपतये नमः लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा, जपिएगा, जिससे आपका कल्याण हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।